हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति किचन। लॉकडाउन स्पेशल रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही टेस्टी और बहुत यूज़फुल होती है घर घर में, और बहुत ही आसानी से आप इसे घर में आराम से बना सकते हैं। चॉकलेट सॉस की रेसिपी है जो बड़े बच्चों और सबकी बहुत फेवरेट होती है। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक पैन में 150 ml दूध ले लेना है और उस दूध को गर्म करना है। एक चम्मच मैंने उसमें बटर ऐड किया है। इसी स्पून से, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो स्पून, उसी से आपको सब मेजरमेंट कर लेना है। उससे एक चम्मच लिया था, उसी से लिया है एक चम्मच मैदा, 5 चम्मच शक्कर और 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर आपको बेकरी शॉप पे या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टॉप पे इजीली अवेलेबल है। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी है। अब देख लीजिए, हमने जो बटर डाला था वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे आपको ऐड करना है जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे, मिक्स किए थे, वो हमें ऐड करनी है। और आंच को एकदम लो पे कर देना है, आपको जो आपकी गैस की फ्लेम है उसको लो कर देना है। और धीरे धीरे चलाते हुए आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, और ताकि आपको चलाते इस तरह रहना है ताकि उसमें लम्स भी ना बने और वो नीचे से जले भी नहीं। तो आपको इसका ध्यान रखना है और उसे चलाते हुए कंटिन्यूसली मिक्स करना है। अब हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करना है 4 to 5 drops ऑफ वनीला एसेंस या फिर 1/2 teaspoon वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको चलाकर इसकी कंसिस्टेंसी मुझे आपको बतानी है। आप इसको बहुत गाढ़ा मत करिए और कंटिन्यूसली चलाते रहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ऑब्वियसली गाढ़ा हो ही जाता है। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेस कंसिस्टेंसी आपकी होगी। आपको इसी पे अपने गैस को ऑफ कर देना है और अपने चॉकलेट सॉस को एक बाउल में सर्व कर लेना है। ये देखिए, हमारा चॉकलेट सॉस बिल्कुल रेडी है। तब बनाइए कोई भी स्वीट डिश या केक में यूज़ कीजिए, या बच्चों को जिस तरह से भी पसंद है उस तरह से उन्हें सर्व कीजिए। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के बंद करके आप इसको फ्रिज के अंदर 2 हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और अपनी मनपसंद डिशेस बना सकते हैं। अब आपको बाहर से चॉकलेट सॉस लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब जब भी मन हो तो घर में बनाइए और फ्रेश अपने बच्चे को खिलाइए। पसंद आई हो रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरा वीडियो देख सकें। रेसिपी को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।